गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक एब्डोमिन वॉल डिफेक्ट, यानी कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट भी उसको बोलते हैं, जो कि क्या होता है, इसमें एब्डोमिन जो वॉल है उसमें एब्डोमिन कंटेंट का हर्निएशन हो जाता है या प्रोट्रूशन हो जाता है। हर्निएशन मतलब किसी ऑर्गन अपनी जगह से हट जाना, प्रोट्रूशन मतलब कि उनकी शेप में, स्ट्रक्चर में जो मतलब डिफिकल्टी आना। देन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू एम्बिलिकल रिंग और लेटरल रिंग। एब्डोमिनल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स या कंटेंट है वे एम्बिलिकल रिंग और लेटरल साइड से बाहर आ जाते हैं, इस कंडीशन में बोलते हैं एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। देन हर्निएशन क्या होता है, हर्निएशन में जैसे कि ऑर्गन अपनी जगह से हट जाते हैं, यानी आउट पोस्टिंग हो जाती है। ये जो कंडीशन डेवलप होती है, ये होती है डेवलपमेंटल माल फॉर्मेशन के कारण। जो पीरियड होता है गेस्टेशन, जिसमें प्री हर्निएशन कंडीशन होती है 6 to 10 weeks, इसमें जो इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं सभी अपने स्ट्रक्चर में, नॉर्मल स्ट्रक्चर में आने में टाइम लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, जिसके कारण से क्या होता है, जो ऑर्गन्स हैं वह जो शेप है वह 90 डिग्री से अबव की ओर चली जाती है, जिसके कारण क्या होता है एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। एब्डोमिनल डिफेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन क्या के क्रॉस करके बाहर की तरफ देखने को मिलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो बाहर की तरफ देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है ओम्फिलोसिस एंड गैस्ट्रोसिस, ये दो प्रकार से होती है, जैसे एम्बिलिकल रिंग में इससे बाहर आते हैं या तो ऑर्गन से या लेटरल साइड से। तो हम दोनों कंडीशन को देखते हैं, पहले लेते हैं ओम्फिलोसिस। इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ इन एब्डोमिनल वॉल मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, द प्रोट्रूशन ऑफ एब्डोमिनल विसरल कंटेन विद ए मेम्ब्रेनस सैक। इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि जो एम्बिलिकल रिंग से बाहर आ गई पर वो कवर्ड है पेरिटोनियम कैविटी सेक से, जो इंटेस्टाइन है। इंसिडेंस स्मॉल ओम्फिलोसिस 1:5000, लार्ज ओम्फिलोसिस 1:10, मेल टू फीमेल रेशियो 1:1 पर मेन। स्पेसिफिक सिलेंडर्स हैव लो रिस्क ऑफ ओम्फिलोसिस। पैथोफिजियोलॉजी, फेलियर ऑफ मिड गट ऑफ रिटर्न टू एब्डोमल बाय वीक 10 टू ऑफ गेस्टेशन, जैसे कि स्ट्रक्चर पे हैं इसमें A1 या AB एंड सी एंड डी और ईस्ट जो स्ट्रक्चर में दिखाया गया इंटेस्टाइन की शेप को, क्लिनिकल फाइंडिंग्स कवर्ड क्लिनिकल डिफेक्ट ऑफ एम्बिलिकल रिंग। डिफेक्ट में भी वेरी फ्रॉम 2 to 10 centimeters। सेक इज कंपोज ऑफ एमोनियन वर्टोन्स जेली एंड पेरिटोनियम। 50% हैव एकोमलिक लीवर स्प्रिन टेस्टिस ओवरी। अबाउट 50% हैव असेट डिफेक्ट। लोकेशन एपिगेस्टिक सेंट्रल हाइपोगेस्टिक कोड अटैचमेंट इज ऑन ऑफ द सेक। द मे बी रेप्चर ऑफ यूटेरो ऑफ 10 to 18% फ्रॉम द डिलीवरी प्रोसेस इन 4%। द इंसिडेंट एसोसिएट मेजर कॉन्जेनाइटल एनोमलीज अप टू 81%। डिफेक्ट ऑफ कैनियल फोल्ड, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, डायप्रोमेटिक हार्निया, इक्टोलोपिया कॉर्डिस, स्टर्नम लैप। डिफेक्ट ऑफ कोडेड फोल्ड, इम्पोर्टेंट एनस, जेनिटोनरी मालफॉर्मेशन, ब्लडर एंड क्लोकल एक्सट्रोफी, कोलन एट्रेशिया, सेक्रल एंड वेस्ट्रबल एनोमलीज एंड मेनिंजोमाइसिल। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ओम्फिलोसिस कंडीशंस। नेक्स्ट है गैस्ट्रोसिस। इट इज अ डिफेक्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल वाज डिप्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ द एम्बिलिकल एंड इवेसरेटेड वॉल वाज नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, जो लेटर साइड से जो हर्निएट होते हैं हमें साइड टू एम्बिलिकल रिंग, डेवलपमेंटल मार्कर्स के कारण ये देखने को मिलता है। इसमें जो क्या है कि कवर मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन कवर होती है और एक्सपोज होते हैं कंटेंट। सीवियर कंडीशन ओम्फिलोसिस की तुलना में ये कंडीशन जो होती है ओम्फिलोसिस की तुलना में सीवियर होती है काफ़ी, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि कुछ कवर, ये कोई कवर नहीं है, जो भी इंटेस्टाइन है बाहर की तरफ आ रहा है। इंसिडेंस 1:20,000 to 30, फीमेल रेशियो 1:1, 10 to 50% है एसेस्ट एनोमलीज, 40% रेट प्रीमैच्योर। पैथोफिजियोलॉजी, एब्डोमिनल इन्वर्शन ऑफ द राइट एम्बिलिकल वेन, रैप्चर ऑफ द स्पाइनल ओम्फिलोसिस, फेलियर ऑफ माइग्रेशन एंड फ्यूजन ऑफ द लेटरल फोल्ड ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क एंड 3rd and 4th week gestation, जैसे कि सिस्टम दिखाया गया है ABCDEF। क्लिनिकल फाइंडिंग्स, डिफेक्ट टू राइट टू इंटेक एम्बिलिकल कॉर्ड, एलोइंग एक्सटेंशन एब्डोमिनल कंटेंट, ओपनिंग 5 centimeters, नो कवरिंग सैक, बोवल्स ऑफ्टन थिकेंड मेटल एंड एडिमेटस।
10-50% intestinal atresia. Evisceration of the bowel leads to malrotation. Constriction of the base may be intestine stenosis, atresia and bolus, undescended atestis, preterm on small gestation age. Cause folic deficiency, hypoxia, salicylates. Diagnosis में क्या है? Perinatal polyhydramnios यानी amniotic fluid का excessive ovulation of the amniotic fluid. MSFB यानी एक जान होती है मेटल सीरम अल्फा फेटोप्रोटीन के लिए एमोनोसिंथेसिस यानी एमिनेट फ्लूड के लिए जांच करना. मैनेजमेंट में क्या कहते हैं? ABC हार्ट मैनेजमेंट स्टाइल ब्रैप द स्टाइल बोल बैग रेडिएट बार्बर फ्लूड मैनेजमेंट आई बोलस 10 ml/kg पर वेट के अनुसार NS B10 1/4 पार्ट NS टू एमिनेटस सेट न्यूट्रिशन NPO नथिंग पर ओरल एंटी पेन सेंटर वेनस लाइन चल करते हैं गैस्ट्रिक डिसमेंशन पोजी ENG ट्यूब डाल के यूरिनरी कैथेटर इन्फेक्शन कंट्रोल ब्रॉड एसिम्प्टोमेटिक और एसोसिएट इफेक्ट्स कंसर्वेटिव ट्रीटमेंट रिडक्शन ऑफ स्नीजिंग सैक प्लेटिंग सैक एंड स्टोटिंग एजेंट 0-25% सिल्वर नाइट्रेट 0.25 मेरक्यूरियम. देन सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं? स्किल क्लैप्स प्राइमरी क्लोजर स्टेज क्लोजर एंड स्टेज रिपेयर यूजिंग सिलोंस जो भी ऑर्गन्स बाहर आ रखे हैं उनको अंदर करके हमें प्राइमरी क्लोज करना है. देन नेक्स्ट स्टेज हम देखते हैं कि क्लोजिंग करके कि अगर कोई डिफेक्ट होता है तो उसको दोबारा ओपन भी करते हैं. तो यह है सर्जिकल प्रोसीजर आपका अब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट में. थैंक यू एवरीवन. दिस टॉपिक इज कम्प्लीट.